योग भी करना पड़ता है, डायरेक्शन भी देना पड़ता है। डायरेक्टर भी मई, स्क्रिप्ट राइटर भी मई, एक्टर भी मई, और बिना बिना एक्टरनी का एक्टर है। ये गांव की भाषा है। तो लेकिन एक फैक्टर है सबसे बड़ा, स्वामी रामदेव योगी है। क्या है बोले? स्वामी रामदेव और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। लोग राजनीति में बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अरे योग है तो सब कुछ मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी में। वो तो राजनीतिक नारा है, यह हकीकत है जिंदगी की। तो जी अमित भाई कुछ कह रहे थे जी स्वामी जी, कोशिश शायद दोबारा की है इन्होंने जोड़ने की। नहीं स्वामी जी, आपके साथ हम जुड़ गए हैं, तो आप जो सारी चीजें बता रहे हैं उसमें दो तीन चीजें और भी जोड़ दीजिएगा। त्रिदोष शांति में प्राणायाम कितना कारगर है और कौन कौन से प्राणायाम इस दोष को बैलेंस कर सकते हैं, और साथ ही स्वामी जो आप जो बता रहे थे उपाय, जो आयुर्वेदिक उपाय हैं, उनको लोग कब तक कंटिन्यू करें? तो जितना मैं समझ पाया, प्राणायाम तो 99% कारगर है। 99% बीमारियां किससे दूर हो सकती हैं? खाली प्राणायाम से। अब जो कठिन आसन नहीं कर सकते, अब मैं आपसे कहूं कि पद्मासन में बैठो और इसमें ऐसे उठ जाओ और अंगुलियों पर उठो, अभी कुछ ठीक किया, इसका मतलब फोन वाले, अरे फिर गड़बड़ कर दिया, फोन वाले भी कुछ समझता हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ऐसे अब कोई कहेगा जी ये तो ना होगा हमसे। स्वामी जी मैंने कोशिश की, मुझसे भी नहीं हो पाया। अब ये हो जाएगा। अब आप ये कोशिश करो, बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ो ऐसे पीछे से, और दाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ो पूजा जी ऐसे। कुछ बड़ी बात है स्वामी जी, एक ही हाथ आ रहा है दूसरा नहीं आ पा रहा। नहीं तो इसका मतलब अभी पेट आगे बढ़ गया, दाएं बाएं बढ़ गया, कमर भी। अच्छा ये मेरी बिना मर्जी के मेरा हाथ कैसे ऊपर उठ सकता है? मैं हाथ को बढ़ता ऊपर उठ, ऊपर उठता नीचे बैठता नीचे आ जाता। ऐसे ही तुम्हारी मर्जी में चलना चाहिए तुम्हारा पेट, तुम्हारी कमर। किसी का तो पेट इधर फिर इधर, इधर कमर फिर कुल्ले ऐसे बढ़ जाते हैं, कुछ तो नीचे बैठे हुए ऐसे लगते हैं जैसे कुर्सी पर बैठे हुए इतने मुड्ढे से तैयार हो जाते हैं। चलो तो प्राणायाम ये इस रूप में कारगर है कि प्राणायाम करने से, चलो भस्त्रिका करो, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड दमा अस्थमा, आजकल तो लोगों को फेफड़े में टीबी, फेफड़े में कैंसर, गले में कैंसर बहुत बढ़ रहा है। एलोवेरा का गरारा करना, 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता, उसमें थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा अमरूद के पत्ते भी और डाल दें, और उसको घोट करके पीस करके छान करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दें और उससे गरारा कर लें, कफ कोल्ड ठीक हो जाता है। अणु तेल से नस्से कर लें, दिव्य पेय पीले, स्वासारी क्वाथ पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही ले लें, और दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश ले लें, और ये कफ कोल्ड सारे कफ रोग, सर्दी जुकाम सार्कोडाइसिस लंग फाइब्रोसिस, और यदि हल्दी किसी को ज्यादा गर्मी करती हो ना तो कर्क्यूमिन गोल्ड ले ले, बहुत जबरदस्त है, सारे कफ दोष दूर हो जाते। मात्र भस्त्री का ही 5-10 मिनट हम ऐसे लगातार करा देते हैं। इसमें कफेष्टि से हवन भी कराते हैं, कफ रोगों में, वात रोगों में वातेष्टि से, पित्त रोगों में पित्तेष्टि से हवन कराते हैं। जो हवन हमारी पूज्या साध्वी देव प्रिया जी और श्रद्धामयी बहन रितम राजी कर रहे हैं कश्मीरा जी, ओहो हो बड़ा जबरदस्त है हवन भी। अब देखो कपाल भाती, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है ना
उनको वो करना चाहिए, कुंजर क्रिया, सुबह उठ करके कुंजर कर लो और खाने के एक घंटे बाद पानी पियो। खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, खाना एक बार में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और खाने में पहले थोड़े सलाद, खाने में पहले थोड़ा सलाद, थोड़े फल, थोड़ा अनारदाना, थोड़ा पपीता, सेब खा लेना चाहिए, बाद में पका हुआ खाओ और धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, पित्त बनेगा ही। पित्त बनता है अपचन से, खाया पिया अच्छे से हजम नहीं होता, पित्ताशय गॉलब्लैडर लीवर उत्तेजित हो जाते हैं, उससे पित्त बनता है। तो खाने के सीक्वेंस को थोड़ा बदलो, और फिर खाने के बाद में एक घंटे बाद, गर्मी है तो आधा घंटे बाद पानी जरूर पियो, 3 लीटर लिक्विड जरूर जाना चाहिए, लोग पानी कम पीते हैं। और मैंने कहा चित्त प्रसन्न नहीं रहता तो पित्त बढ़ता है, चित्त प्रसन्न रखो, खुश रहो तो पित्त नहीं बढ़ेगा, कपालभाति से और अनुलोम विलोम से सारा वात रोग, सारी नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में, मूलाधार से पैदा होता है 72,10,201 नाड़ियों में, अष्ट चक्रों में, द्वारों में, 37 ट्रिलियन सेल्स में, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, कोष में वात छा जाता है। इसके लिए रेडीमेड तो हम पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट नुटीला ऑर्थो के आदि देते हैं, और घरेलू में तो अभी जैसे मैंने बताया था एलोवेरा गिलोय और निर्गुंडी या पारिजात हर श्रृंगार का प्रयोग करते हैं, इसी से ठीक हो जाता है। तो प्राणायाम की बड़ी महिमा है जी स्वामी। और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करने से मन इतना शांत रहता है, और मन की अशांति से सब रोग पैदा होते हैं वो भी मिट जाते हैं अमित भाई जी स्वामी जी।